जी गड्डी मांगता है वो बड़ी, ट्वेंटी गड्डी है ना, घर में नहीं बढ़ने देता जी मेरे को वो, घर में बड़ी तो आग लगा ऐसे बोलता है, दहेज ले आके देगी तो घर में बढ़ेंगे वरना तो घर में नहीं बढ़ते जी। मेरा बाप ने भाई ने, मैं दहेज कहाँ से ले आके दूँ, जितना मेरे से हो सका मैंने दिया, अब मेरे से नहीं दिया जा रहा तो जब मैं महिला थाने में आई हूँ। क्या क्या मांग करते हैं जी? वो गड्डी नहीं है 220 बड़ी, वो उनकी मांग करते जी, मैं कहाँ से ले आके दूँ, मैं तो जी गरीब हूँ, मैं बहुत थक गई जी, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी अपने घर बसाने की, मेरे को घर में तो बढ़ने भी नहीं दे रहे, वो घर से धक्के मार मार के निकालते, मेरे कपड़े तक पाड़ दिए, आग लगा दी मेरी गुड़िया को भी, ईंट पत्थरों से मारने लग रहे थे, शुक्र है तो पड़ोसियों ने बचा लिया इसको भी, इसके ऊपर भी डाले पत्थर चलाए, मम्मी को घर में घुस के मारा, बता हमारा कोई होता तो मार उठता वो हमारे लिए भी, जो मेरा भाई है मेरे मामे का लड़का है, जो मेरे भाई उठते हैं उनको भी मारते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं मेरे सामने जी, मेरा देवर नंगा हो जाता है, मेरे कपड़े तक तन पे भी नहीं कपड़े छोड़े उसने, कपड़े तक पाड़ दिए और मेरे घर वाले ने कुछ नहीं बोला। गड्डी है ना वो मांगते हैं मेरे घर वाला जी, मैं कहाँ से ले आके दूँ मेरा, हाँ जी मेरी मम्मी मेरा सारा खर्चा करती है, ना मेरे को कुछ देता ना लेता, मेरी मम्मी को मारता है, अपने भाइयों से मरवाता है, जितना मेरा जेवर था सब खा लिया। कहाँ के रहने वाले? इंद्री से। इंद्री क्यों करता है? पता नहीं जी। कब हुई थी शादी? कब हुई थी? चार साल हो गए जी। चार साल हो गए। हाँ जी। क्या बात क्या हुई थी? कोई बात नहीं हुई जी हमारे साथ, बस जी मेरे देवर है ना शराब पी के जी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे हैं, जब कोई उठता है जैसे मेरे मामियों के लड़के हैं उनको भी मार पीट करते हैं, मेरी मम्मी को घर में मारा अंदर बढ़ के, जब मेरी मम्मी मेरे को बचाने लगी मेरी मम्मी पेंटे बरसा दी। नहीं तो आपके पति ने मना नहीं किया जब आपको? नहीं 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 उसने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा जितना बने ने के साथ उतने ठीक है, ये मेरे को दहेज नहीं देते, हम कहाँ से दे, मेरा भाई नहीं है मेरा बाप नहीं है, मेरे से दहेज मांगते हैं, हम दहेज कहाँ से दे। किसी और के साथ रिश्ता है आपके पति का? हाँ उसकी उसका अफेयर चल रहा है मेरी दरानी के साथ चंदा के साथ। आपको कैसे पता उसका अफेयर चल रहा है? मैंने दो तीन बार पकड़े हैं वो। कहाँ पर? अब हमारे कमरे में। अच्छा। हाँ जी उसका खर्चा करता है। अच्छा। मेरा खर्चा मेरी मम्मी करती है, दिहाड़ी मजदूरी करती है मेरी मम्मी। तो आपने कभी शिकायत नहीं की? नहीं, ये देखो जी मेरे चेहरे पे चोटे तक मार रखी, मैंने कुछ नहीं बोला उनको। शादी कब हुई थी आपकी? चार साल हो गए। बच्चे भी हैं? एक लड़की है मेरे बच्चे पास। बच्चे भी हो चुके हैं, शादी को चार साल हो गए फिर मारपीट करते हैं? हाँ जी। ये चेहरे पे जो मारपीट के निशान है ये पति के द्वारा मारा गया? हाँ जी। कब से मारपीट कर रहा है? जब से मेरी शादी हो रही है ना जब से मेरे मारपीट करते हैं, पर मैंने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया, जब उन्होंने मेरे को ज्यादा तंग कर लिया और मुझे कमरे में नहीं बढ़ने दे रहे, मेरे सारे कपड़े तक पाड़ दिए। इस कपड़े क्यों फाड़े आपने? जी जबरदस्ती करता है मेरा देवर मेरे साथ। देवर आपका? हाँ जी। हाँ ना बड़ा है जेठ। हाँ जी वो ना मेरे साथ जबरदस्ती करता है। जब मेरी मम्मी मेरे को बचाने को गई तो मम्मी को भी मारपीट करने लगे, उन्होंने मेरी मम्मी पे ईंटें बरसा दी। अच्छा। ऐसे बोलते लड़का जाम कह दे, तूने लड़की क्यों जमी, मैं कहाँ से ले आके दूँ, और दहेज मांगते और गड्डी मांगते मेरे से, अब जितना मेरे से हो सका मैंने दिया, अब मेरे से नहीं दिया जाता तो मेरे को घर में नहीं रखते, मारपीट करते। क्या चाहते हो अभी आप? मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ पर वो बसाना नहीं चाहते। आपको लगता है इतनी बड़ी बातें हो गई है तो घर बसेगा अब आपका? पता नहीं जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई जी। क्या पति आपका क्या काम करता है? आने वाली है मैडम, 12 बजे आएगी। पति क्या करता है? बेड शीट बेचता है वो। बेड शीट बेचता है जी। बहुत बुरा करते हैं जी मेरे साथ, बहुत गलत हुआ, बहुत ना इंसाफी हुई मेरे साथ। इस महिला की इस मेरी ननद लगाई हूँ, इसका देवर और इसका घर वाला इसके साथ मारपीट करते हैं। क्यों करते हैं मारपीट? वो तो वो ही बताएगा जी क्यों करता वो। ये भी आरोप लगा रही है इसके साथ जबरदस्ती की। हाँ ये जबरदस्त। हाँ जी हाँ, मैं मेरा घर वाला मेरा भाई और मैं हम बचाने के लिए गए, हमारे ऊपर भी उसने इंटा के साथ बरसात करी है प्रदीप ने और सिकंदर ने। पहले कभी शिकायत नहीं करी पुलिस में आपने? ना जी पहली बार करी है। चार साल हो गए इसकी शादी को। और चार साल से ये सब चल रहा है? हाँ ये बेचारी फिर भी चली जाती है, अपने आप भी चली जाती है, खुद भी अपने घर पे। हाँ फिर भी वो निकालते हैं बात से पकड़ के, फिर भी धक्के मार मार के निकालते हैं इसे, कह रहा है मैं तुझे नहीं रखते। अगर इसकी माँ के पास ना बेचारी के पास ना घर वाला है ना भाई है इसके पास, फिर भी ये उसको जीने नहीं देते सर जी, इसलिए हमें चबा। हाँ कपड़े कुपड़े भी फाड़े हैं बेचारी का, सारे जितने देखे रंग बिरंगे कपड़े डाल के आई बेचारी, सारे कपड़े कुपड़े सारे कुछ फाड़ दिया इसका बेचारी का, इसकी छोटी सी लड़की के भी कपड़े जला दिए उसने। पति ने कुछ नहीं कहा देवर जब इस तरह की पति तो जी साथ में खड़ा था अपने भाई के, उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा मैं तुम हैवानियत कर रहा हूं। हाँ ना कुछ भी नहीं कहा जी उसने, उसने कुछ भी नहीं कहा पति ने।
तो पति भी मिला हुआ है? हाँ पति भी मिला हुआ है जिन के साथ। मारपीट किसने की है? इसके देवर ने, इसकी ननंद ने और इसकी जेठानी ने, दरानी सी ने। आप करना चाहती हो मेरी लड़की को बसाओ करो, मेरी साथ लड़की के साथ कोई गलत ना करो, बस मेरे जिंदे जी ऐसी बात हो रही। मैं मर गई तो कोई भी नहीं इसका तो सर जी, जब मेरे से नहीं डरते काम करते। मेरे चाचे भतीजे, मेरा भतीजा एक उठा था उसकी भी उन्होंने दरखास्त पा रखी। बेटी की शादी की थी तब भी दहेज की मांग की थी उन लोगों ने? जब भी बाद में मांगा था, महीना नहीं हुआ था, फिर भी मैंने मांग पूरी करी है उनकी। करी है मैंने और दे रखा है। कुल्लर पुल्लर सब घर में तोड़ फोड़ कर रखी है इसकी, जो सामान दिया है उम्मा एक भी नहीं छोड़ी इसके। मैं चल छोड़ पर घर में चल जाती है दुख सुख में, मैंने कोई मलाल नहीं। अब मैं कहाँ से बार बार दूंगी जी, मेरे को कौन कमाने वाला? लेकिन बेटी के आरोप बड़े खतरनाक है कि जिस प्रकार देवर के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और पति तमाशा देखता जब। हाँ यही तो बात है, जो थोड़ा सा भी कहता ना मेरे दिल हल्का हो जाता भी, कुछ ना कुछ मेरा जो है साथ तो दे रहा भाई, दे रहा है कहीं ना कहीं भाई को अपने। हाँ खुद साथ में ऐसे खड़ो के तो लड़वा रहे और मुरवा रहे और मेरे को गंदी गालियाँ ऐसी ऐसी दी है ना, बस सर मैं क्या कहूँ, कहने से मेरे को शर्म आती है, मैं सच्चाई कह रही हूँ। आपको भी गाली गलौज करते हैं? हाँ जी, मेरे साथ मेरे जो जो मैंने तन पे कपड़े भी थे ना मेरे देवर ने, वो तक नहीं छोड़े। और जो घर में भी थे ना, वो मैंने अपनी बहन के कपड़े पहन के जब आई हूँ मैं, मेरे को कपड़े नहीं छोड़े। ये देखो, जब ये देखो यहाँ पे मेरे यहाँ पे भी निशान है, देखिए पहले भी मारा किया चोटे, और ये परसों यहाँ पे भी मारा, मेरे मम्मी को मारा। परसों क्या बात हुई? परसों की तो बात है सर जी, लड़ाई की। बहुत ना इंसाफी हो रही है जी, बस मैं तो इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ यहाँ पे, मैं तो इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ। मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, जितना मेरे साथ उन्होंने बेकार गलत हरकत की है ना मेरे देवर ने और मेरी देवरानी की, जो मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है, बस मैं तो इंसाफ चाहती हूँ। मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ पर मेरा घर बसने नहीं दे रहा। देवर शादीशुदा है मैरिड आपका? जी, तीन लड़कियाँ उसके पास, शराब पीता है। तो उसकी घरवाली कुछ नहीं कहती है? कुछ नहीं, खुद कहती है मैं प्रदीप की कमाई खाऊंगी तो घर से बाहर निकल। मेरे को जो उन्होंने कमरे से निकाल दिया घर से, घर में मेरे को बढ़ने भी नहीं दे रहे वो। तो देख सकते हैं महिला है और आज महिला थाने, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक महिला जो है महिला थाने में पहुंची है और इसके पास एक छोटी सी बच्ची है और इसका साफ तौर पर ये कहना है कि पति जो है प्रताड़ित करता है और किस प्रकार से पिछले कई दिनों से ये युवती जो है कहीं ना कहीं परेशान होती हुई जरूर नजर आ रही है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। आप ये देख सकते हैं ये इसकी मदर है और ये बेटी है और ये दोनों माँ और बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये इनका परिवार है, ये आप देख सकते हैं ये इनका परिवार है। अब ये बेटी जाए तो जाए कहाँ पर? इस बेटी की माने तो साफ तौर पर कहना है कि इनका जो पति है वो घर में अब घुसने नहीं देता। क्या पति आपका क्या बोलता है कि घर में नहीं आना? जी गड्डी मांगता है वो, बड़ी 220 गड्डी है ना, घर में नहीं बढ़ने देता जी मेरे को वो। घर में बड़ी तो आग लगा ऐसे बोलता है, दहेज ले आके देगी तो घर में बाढ़ेंगे वरना तो घर में नहीं बाढ़ते जी। मेरा बाप ने भाई ने, मैं दहेज कहाँ से ला के दूँ? जितना मेरे से हो सका मैंने दिया, अब मेरे से नहीं दिया जा रहा तो जब मैं महिला थाने में आई हूँ। क्या क्या मांग करते हैं जी? वो गड्डी नहीं है 220 बड़ी, वो उनकी मांग करते जी, मैं कहाँ से ला के दूँ? मैं तो जी गरीब हूँ, मैं बहुत थक गई जी, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी अपने घर बसाने की, मेरे को घर में तो बढ़ने भी नहीं दे रहे वो। घर से के धक्के मार मार के निकालते, मेरे कपड़े तक पाड़ दिए, आग लगा दी मेरी गुड़िया को भी, ईंट पत्थरों से मारने लग रहे थे, शुक्र है तो पड़ोसियों ने बचा लिया इसको भी, इसके ऊपर भी डाले पत्थर चलाए, मम्मी को घर में घुस के मारा। बता हमारा कोई होता तो मार उठता वो हमारे लिए भी। जो मेरा भाई है, मेरे मामे का लड़का है, जो मेरे भाई उठते हैं उनको भी मारते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं मेरे सामने जी। मेरा देवर नंगा हो जाता है, मेरे कपड़े तक तन पे भी नहीं कपड़े छोड़े उसने, कपड़े तक पाड़ दिए और मेरे घर वाले ने कुछ नहीं बोला। तो ये आप देख सकते हैं युवती बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। एक महिला जो है अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर पहुँची है महिला थाने में इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। इज्जत लूटता है जी वो मेरी, उसने तो मेरे तन पे कपड़े भी नहीं छोड़े मेरे, मैं कमरे में बढ़ गई अपने घर भी, चल सुबह की लड़ाई होगी चल मैं अपने घर चली गई, वहाँ घुस के जी मेरे कपड़े तक पाड़ दिए, पड़ोसियों ने तक देखा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। फिलहाल दोनों यानी कि जो माँ और बेटी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे।